प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि पूर्व में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन थे, पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के राजस्थान इकाई और छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा इसकी मांग की गई है, जिसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग तेज। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात कांग्रेस द्वारा की गई इसकी मांग। अध्यक्ष चुनाव से पहले बढ़ी ये मांग। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि पूर्व में राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन थे, पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस की राजस्थान इकाई और छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा इसकी मांग की गई है, जिसको लेकर प्रस्ताव दिया गया है, जिसके चलते गुजरात की कांग्रेस इकाई ने भी पार्टी नेतृत्व से राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। तो वहीं अगले महीने में होने वाले अध्यक्ष चुनावों से पहले ये मांग फिर से बढ़ गई है और राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग पहले भी लगातार उठती रही है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोषी ने बताया, गुजरात कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं और सभी सदस्य अपनी इस बात को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखना चाहते हैं। सदस्यों का मानना है कि भारत के भविष्य के लिए, युवाओं की आवाज बनने के लिए राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल होने की पहले ये मांग उठी है। दरअसल शनिवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीते रविवार को राहुल गांधी को अध्यक्ष की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीते महीने साफ किया था कि अध्यक्ष चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और उसका चुनाव नतीजा 19 अक्टूबर को सामने आएगा। कांग्रेस में एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि पूर्व में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन थे, पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस की राजस्थान इकाई और छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा इसकी मांग की गई है, जिसको लेकर प्रस्ताव दिया गया है, जिसके चलते गुजरात की कांग्रेस इकाई ने भी पार्टी नेतृत्व से राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। तो वहीं अगले महीने होने वाले अध्यक्ष चुनावों से पहले ये मांग फिर से बढ़ गई है और राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग पहले भी लगातार उठती रही है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोषी ने बताया, गुजरात कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं और सभी सदस्य अपनी इस बात को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखना चाहते हैं। सदस्यों का मानना है कि भारत के भविष्य के लिए, युवाओं की आवाज बनने के लिए राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल होने से पहले ये मांग उठी है। दरअसल शनिवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीते रविवार को राहुल गांधी को अध्यक्ष की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीते महीने साफ किया था कि अध्यक्ष चुनाव 17 अक्टूबर को होगा, वहीं चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप तब तक लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।